हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं, आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सो आज मैं पहुँच गया हूँ लाल किला। तो आपको लाल किला अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करूँगा, सब चीज़ दिखाऊँगा, एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको, और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। सो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं अभी लाल किले के पीछे खड़ा हूँ। तो इधर मेरे को टिकट लेना है, अंदर जाने का टिकट लगता है। अब देखते हैं कितने का टिकट है, अंदर जा रहा हूँ मैं। गाइस, मैंने टिकट ले ली है। पता कितने रुपए की टिकट है? 80 रुपए की। काफ़ी महंगी हो गई है, 80 रुपए। चलो कोई नहीं, देखते अंदर से। बचपन से अब आ रहा हूँ मैं, बचपन में आया था स्कूल में, जब शायद 4th या 5th क्लास में था मैं, जब आया था मैं। सो जब से अब आ रहा हूँ मैं, वो भी व्लॉगिंग शूट करने। गाइस, ये जो आप जगह देख रहे हो ना, ये जहाँ पर घासें उग रही हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ना पहले नहर हुआ करती थी। यहाँ से सारा पानी जाता था, और मतलब पूरा ना पानी से मतलब कवर्ड हुआ था ये। सो अब यहाँ पर पानी वगैरह तो बंद हो गया है, घास फूस उगा दिया यहाँ पर। अगर पानी होता यहाँ पे उस टाइम पे अब तक, तो गाइस बढ़िया लगता। गाइस, इतना मुझे मालूम है कि यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। सो मैं रेडी हो रहा हूँ, अब रेडी हूँ मैं पूरा। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। अच्छा गाइस, यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ रिक्शे वगैरह भी दिख रहे होंगे, जैसे कि ये मेरे पीछे से गए अभी। अगर आपको रिक्शा करना हो तो आप रिक्शा भी कर सकते हो। इसके चार्जेस हैं वही जो नॉर्मली होता है, 10 रुपये। सो अगर आप चल नहीं सकते, चल के यहाँ तक नहीं आ सकते, तो आप रिक्शा कर सकते हो वहाँ से जहाँ से मैंने टिकट लिया है। फाइनली गाइज, मैं इसके फ्रंट पर पहुँच गया हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अच्छा गाइज, यहाँ पर पानी वानी, सेल्फ स्टिक वगैरह सब सामान है, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। सो अगर आपको प्यास वगैरह लग रही है तो आप पानी ले सकते हो, लेकिन मैं तो फुल प्रिपरेशन कर आया हूँ अपनी, थकने का तो कोई चांस ही नहीं बनता आज। सो बैग वगैरह नॉट अलाउड है यहाँ पर। अगर आप बैग लेकर आओगे तो यहाँ पर नीचे डिपॉजिट कराना पड़ेगा, मतलब जमा कराना पड़ेगा, जिसका चार्जेस 10 रुपये है। सो बैग मैंने करा दिया है जमा, और मैंने पानी की बोतल भी निकाल ली है, फुल प्रिपेयर होकर आया हूँ मैं। गाइस, जैसे ही आप एंटर होगा ना, तो आपको स्टार्टिंग में 2 तोप देखने को मिल जाएंगी, वो देख सकते हो आप। ये जो मैं मार्केट में हूँ, इस मार्केट का नाम है चत्ता चौक, मीन्स कवर्ड मार्केट। ये जो शाहजहां ने बनवाई थी ये मार्केट, ये पेशावर से देखकर आए थे इसका डिज़ाइन, तो उसी के बेस पे यहाँ पे इसको बनाया गया, लाल किले के अंदर मार्केट। बहुत प्यारी मार्केट है गाइस यहाँ पे। तो मैं आप सबको चीज़ें दिखाता हूँ, देखो कितने सारा यहाँ पे सामान वगैरह बिकता है। देखो गाइस, जो मैंने आपको बताया छत्ता चौक के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर नौबत खाने के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं। गाइस देखो, ये नौबत खाना है, तो इसके अंदर ये जो जितना पूरा बना है, इसके अंदर 3 मंजिलें हैं। जब मुगल दौर पर उस वक्त कोई VIP लोग आते थे तो एंट्री वहीं से लेते थे, बाजार में से जहाँ से हमने एंट्री ली है। तो इसको ड्रम हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई VIP लोग आता था तो यहाँ पर उसके लिए ड्रम बजाए जाते थे, ढोल बजाया जाता था उसकी एंट्री के लिए, उसके स्वागत के लिए।
गाइज यहाँ पर उर्दू में शायद कुछ लिखा है। ये पेंटिंग है, पता नहीं क्या है, कलाकारी जो भी है बहुत बढ़िया कर रखी है। तो यहाँ पर शायद ये पेंटिंग ही लग रही है मुझे, या नहीं। खैर अब तक तो गाइस काफ़ी सही चला, बढ़िया लगा यहाँ तक आने में, एंड काफ़ी अच्छा लगा है मुझे नौबत खाना देखकर। एंड पता नहीं मुझे वो की पेंटिंग थी या उसको दीवार के अंदर कुछ ऐसी, मतलब हाँ पत्थरों से कुछ करा रखा था, आई डोंट नो कि क्या था, मैं समझ नहीं पाया। गाइस नौबत खाने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ दीवाने आम में। ये जो अभी मैंने आपको दिखाया दीवाने आम, यहाँ पर उस टाइम पर मुग़ल दौर पर आम लोगों की यहाँ पर सुनवाई हुआ करती थी। गाइस ये वही जगह है जहाँ पर मुग़ल दौर के बादशाह बैठा करते थे, यहाँ पर आम पब्लिक की सुनवाई करा करते थे। सो देख सकते हो आप, इसको बंद कर दिया गया है, इसको कवर्ड कर दिया गया है चारों तरफ से शीशों से। सो गाइस ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो संगमरमर से बना ये बादशाह का सिंहासन है, यहाँ पर बादशाह बैठा करते थे। और ये जो आप मेरे पीछे पार्क देख रहे हो, यहाँ पर आम जनता की सुनवाई हुआ करती थी और मुलाकात करते थे बादशाह लोगों से। तो काफ़ी बढ़िया बना रखा है, इसको पैक कर रखा है शीशों से। आई थिंक ये कोरोना के बाद से हो गया है ये सब बंद, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है बचपन में ये खुला था शायद। सो गाइस अभी मैं दीवाने आम के पास बैठ गया हूँ, बिकॉज काफ़ी तवील सफ़र है मेरा, तो थोड़ा बहुत आराम तो बनता ही है। एंड मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, बस अपना हैंकी लाना, बाकी पूरा प्रिपेयर होकर आया था मैं, पसीना वगैरह आ रहा है मुझे, तो गर्मी भी है, हवा तो चली नहीं रही आज, धूप बहुत है गाइस आज। मैं अब आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जनाना महल, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। आपने नाम तो सुना ही होगा खूब, रंग महल जनाना महल। तो इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको, वहाँ ले आके मैंने मुँह धो लिया है गाइस, जितना पानी लाया था वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, एक बूंद भी नहीं बचा, बॉटल भी मैंने वहीं छोड़ दी। एक्चुअली मुझे ना एक प्रॉब्लम है, मेरे को अपने फेस पे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारा डर्ट बैठा है, अजीब सा लगता है मुझे। सो मैंने मुँह धो लिया है, जो होगा देखा जाएगा, मिल रही होंगी कहीं पानी की बोतल, प्यास लगी तो पी लूँगा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रंग महल। तो गाइस ये देख सकते हो आप, ये उस टाइम का कोई खुफिया रास्ता वगैरह होगा, ताला लगा रखा है, बंद कर रखा है, या फिर इसका अंडरग्राउंड रास्ता होगा। छह जो रंग महल है इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर इसकी जो दीवारें हैं ऊपर, छत जो इसकी है, तो इस पर शीशे जड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा कोई शीशा वगैरह, शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी तो काफ़ी बेकार सी हालत हो रही है गाइस, काफ़ी सही नहीं बना रखा है ये, मतलब सही तो होगा ये पहले, बट अब इसकी काफ़ी कंडीशन बेकार हो गई है। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये वही महल है, रंग महल, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। और यहाँ पर उस वक्त मुग़ल दौर की लेडीज़ आया करती थी, यहाँ पर खड़ा हुआ करती थी। तो उस पार यमुना नदी है जो कि बहुत करीब थी उस टाइम पर, लेकिन अब काफ़ी दूर हो गई है। एंड यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चलती थी बिकॉज पानी था, एंड यहाँ पर उस वक्त पानी हुआ करता था, यहाँ से पूरा ये पूरा जितना भी जा रहा है उस वक्त पानी हुआ करता था। अच्छा गाइस ये जो आप देख रहे हो ये उस वक्त का तहखाना है, ये अभी बंद कर रखा है, तो काफ़ी डरावना होगा शायद ही। तो गाइज अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ दीवाने खास पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये दीवाने खास है, ये उस वक्त का पार्लियामेंट है, यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो VIP आया करते थे उनसे मीटिंग हुआ करती थी। एंड यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ दिखाने की।
तो गाइज यहाँ पर ऊपर आना तो मना है, तो मैं चढ़ गया हूँ, तो अब नीचे उतर रहा हूँ मैं। यही है उस वक्त का पार्लियामेंट जहाँ पर सारी मीटिंग हुआ करती थी बड़े बड़े लोगों से। तो गाइज मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मोती मस्जिद, जो कि औरंगज़ेब ने अपने लिए खुद के लिए पर्सनली बनवाई थी। वो पांचों वक्त के नमाजी थे, सो उन्होंने अपने लिए ये बनवाई थी मस्जिद, एंड उनको तहज्जुद पढ़ना बहुत पसंद था। सो उस वक्त जामा मस्जिद दूर पड़ती थी उनको रात को जाते हुए, सो इसीलिए उन्होंने अपने लिए ये मस्जिद बनवाई थी, आप मेरे पीछे देख सकते हो। बट ये अभी बन कर रखी है, कोरोना के बाद से बंद कर दी गई है शायद, सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें कोरोना के बाद से बंद हो गई हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मोती मस्जिद का मेन गेट, गेट बंद है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर दिखे तो। गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हयात बख्श है, सावन के महीने में यहाँ पर राजा रानी हवा लेने आते थे, तो काफ़ी अच्छा बना रखा है ये भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये वही है, बट यहाँ पर उस टाइम पर ना पानी हुआ करता था, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक जा रहा था पानी, लेकिन अब यहाँ पर पानी नहीं है। अगर पानी होता यहाँ पर तो गाइज बहुत ही बढ़िया लगता। गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जफर महल है, ये महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, एंड ये जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल बीचों बीच में है, इसके इधर की साइड गार्डन में है, एंड यहाँ पर पानी हुआ करता था, ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच में था, मतलब था नहीं है अब भी है, बट ये अंदर से काफ़ी टूट रहा है जहाँ तक मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है गाइस, लेकिन ये अंदर से बहुत टूट गया है, उस वक्त की क्या कलाकारी थी गाइस, सच में बहुत ही सुंदर बना रखा है लाल किला। जफर महल में बहादुर शाह जफर के आखिरी के लास्ट टाइम बीते थे, फिर यहीं पर ही उनकी डेथ हो गई थी। गाइस उस तरफ से तो दिख नहीं पा रहा था सही से, बट यहाँ से बिल्कुल सही दिख रहा है, अंदर से बहुत टूट रहा है, इसको रेनोवेट की ज़रूरत है बहुत। गाइस क्या तो रहा होगा उस वक्त, बिकॉज इतनी प्यारी हवा चलती होगी, एंड आज तो हवा नहीं चल रही यहाँ पे, मेरी किस्मत बहुत गर्मी लग रही है मुझे आज। गाइस बहुत बढ़िया बना रखा है लाल किला, जो बात है बचपन से लेके अब आया हूँ मैं, बचपन में आया था बस मैं। अच्छा गाइस मैंने आप लोगों को लाल किला ऑलमोस्ट घुमा ही दिया है, सो पूरा लाल किला मैं आपको घुमा तो रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया, तो मैं आप लोगों को बता दूँ लाल किला की हिस्ट्री के बारे में। लाल किला शाहजहाँ ने 1648 में बनवाया था, एंड इसका नाम लाल किला नहीं था, इसका नाम था किला ए मुबारक। सो बाहर से फॉरनर्स वगैरह आते थे, सो आप देख सकते हो ये भी फॉरनर्स हैं, ऐसे फॉरनर्स आते थे पहले, है ना, बाहर से लोग आते थे, सो उन्होंने इसको लाल किला कह दिया, बिकॉज़ ये लाल पत्थरों से पूरा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ गया है। सो किला ए मुबारक नाम था इसका पहले टाइम पर, बट अब इसका नाम लाल किला हो गया है। गाइज ये और एक वो जो मैंने आपको दिखाया, इसका नाम है भादो मंडप, यहाँ पर राजा रानी हवा लेना आया करते थे, मेरे को इसका नाम नहीं पता था, बस मैंने यहाँ पर इसका नाम देखा तो मैं आपको बता दिया, भादो मंडप नाम है इसका। अब गाइज ये जो आप देख रहे हो शाहबुर्ज, ये वो जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया था, ये उस वक्त की जेल है, आप देख सकते हो गाइज। तो गाइज अभी मैंने आपको उधर की साइड का दिखाया था, तो यहाँ पर पूरी पूरी लाइन तारी से बना रखी है। गाइस अंदर से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता ही है। गाइस ये आप देख सकते हो ये पूरी बैक साइड का है, ये लाल किले की पूरी दीवार है, एंड ये जो जितने जितने छोटे छोटे से ऐसे ये बना रखे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो ये उसी टाइम की जेल थी है, यहीं पर ही अंग्रेज़ बंद कर दिया करते थे हमारे क्रांतिकारियों को, यहाँ पर आना वैसे मना है, तो आप देख सकते हो मेरे आसपास कोई भी नहीं है, क्या एसएफ के सर थे, मैंने उनसे परमिशन ली सर मैं जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ चले जाओ। सो सो गाइज वहाँ से तो मैं आ गया हूँ, काफ़ी डेंजर जगह लग रही थी, डरावनी जगह है, डरावनी।
यहाँ पर नहीं कैंटीन भी बनी हुई है, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा सकते हो यहाँ पर। लेकिन मैं ब्रेकफास्ट कर आया था, फुल तैयारी से आया था मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फुल प्रिपेयर होकर आया था मैं। तो चलो मैं आपको एक बार कैंटीन दिखा देता हूँ कैसी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी है, आप ये देख सकते हो मेरे पीछे। अब मैं म्यूजियम के अंदर एंटर हो गया हूँ, आपको सब दिखाता हूँ। तो गाइस एक म्यूजियम तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ दूसरी तरफ, वहाँ का भी दिखाता हूँ। आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी वगैरह, तलवार वगैरह और उनकी कुर्सी भी थी वहाँ पर। गाइज यहाँ पर आप बैठ कर देख सकते हो, यहाँ पर बड़ा पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन हैगी एंड बहुत ही सुकून है यहाँ पर। आराम से बैठो और सब चीज़ देखो, एक एक चीज़ है गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। उस टाइम की सुभाष चंद्र बोस की सारी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, मैंने आप सबको दिखाया है सर। तो गाइज म्यूजियम से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दूसरे म्यूजियम में, वहाँ का भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर गाइस बहुत ही बढ़िया था, बहुत सुकून था, सही में मज़ा आ गया। गाइस दूसरी बार मैंने मुंह धो लिया है बिकॉज बहुत पसीने आ रहे थे एंड गर्मियों में आना गाइस बहुत बेकार है, यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना यहाँ पर गर्मियों में, दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। अभी फैब के महीने में मतलब इतनी ख़तरनाक धूप है और गर्मियों में क्या हाल होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को गर्मी में मत आना। अभी मैं पार्क में हूँ, सो यहाँ पर मैं अभी बैठा था थोड़ी देर, सो अब मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दूसरा म्यूज़ियम दिखाने। अगर गाइज आप म्यूजियम में आओगे ना, सीरियसली आप इमोशनल हो जाओगे। क्यों इमोशनल हो जाओगे? बिकॉज यहाँ पर हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हिस्ट्री है, उन सब के बारे में सब लिखा है और उन लोगों की चीज़ें भी यहाँ पर हैं जो वो पहनते थे, जिस तलवार से वो लड़ते थे। सो गाइज यहाँ पर आके अलग ही एक्सपीरियंस मिला है मुझे, मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अगर आप लाल किला आओ तो प्लीज़ यहाँ पर म्यूजियम में ज़रूर आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे हो मेरे, इससे तो आपकी फीलिंग्स ना बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता गाइस, इस तरीके से ऐसे आप इमोशनल हो जाओगे सही में गाइस। बहुत ही बढ़िया बना रखा है म्यूजियम, एक एक फ्रीडम फाइटर के बारे में छोटी से छोटी चीज़ें तक लिखी हुई हैं यहाँ पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
गाइस यहाँ पर एसी भी लगे हुए हैं तो काफी बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ पर, अच्छा लग रहा है यहाँ पर ठंडा ठंडा। आप मेरे ऊपर देख सकते हो ये एसी है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है गाइस, जरूर आना यहाँ। तो अब म्यूजियम से मैं निकल रहा हूँ एंड शायद मैंने पूरा म्यूजियम दिखा दिया है। अच्छा गाइज ये जो अभी मैं म्यूजियम से निकला हूँ इसके अंदर ना इसका ये मतलब अलग ही बिल्डिंग है, इसके अलग चार्जेस हैं, इसके 100 रुपीज़ है। आपको पूरी 15 मिनट का शो दिखाया जाएगा पूरा 360 में, सो थिएटर में बैठ के दिखाया जाएगा, उसके अलग चार्जेस हैं, 100 रुपये उसका चार्ज है। एंड अभी तो 3:30 बजे स्टार्ट होगा तो अभी कुछ 2:15 हो रहा है शायद, तो मैं तो जा रहा हूँ, इतना वक्त है नहीं मेरे पास। तो टिकट्स ना पहले से बुक हो जाती हैं यहाँ पर, तो अगर आप आओ यहाँ पर स्टार्टिंग में या फिर बाजार से निकलोगे ना तो सबसे पहले आप टिकट ले लोगा, अगर आपको देख रहा हो वो शो तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग चलती है पहले से, ठीक है। गाइस मैं अपना बैग तो भूल ही गया था वहीं पर, यहाँ पर चल कर आ गए एग्जिट के लिए, अब वहाँ पर अपना बैग लेने आ रहा है। ओह शिट मैन, अब आपसे मुझे इतना लंबा जाना पड़ेगा। मैंने अपना बैग ले ही लिया है तो अब मैं जा रहा हूँ घर, तो आप भी जाओ, विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना ब्लॉग कैसा लगा। चलो ठीक है गाइस, खुदा हाफिज़।